बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही है? मैं तो चंद्रकला माथुर बोल रही हूँ, भुज गुजरात से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि मेरे पेट में तकलीफ है। अभी मैंने एंडोस्कोपी कराई थी 3-4 दिन पहले, तो मेरे तो एसिड बहुत बनता है और डॉक्टर का कहना है कि वो भोजन की नली चौड़ी हो गई है, मतलब लूज पड़ गई, और एक स्टोमक में स्वेलिंग है और इन्फेक्शन है। उससे मेरे तकलीफ बहुत रहती है, पेट में फर आना, लैट्रिन में लगती है, मेरे नाभि में भी तकलीफ रहती है, नाभि ऊपर चढ़ जाती है बार बार। उम्र क्या है आपकी? उम्र है मेरी 64। अच्छा देखिए, मेरी बात गौर से सुने तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। आप जानते हैं कि पता नहीं गुजरात में क्या कहते हैं, हमारे यूपी में कहते हैं, दिल्ली में कहते हैं बेल पत्थर, या पत्थर बेल कहते हैं। एक इतना बड़ा सा फल जो खोपड़ी जैसा होता है, बेल पत्थर या पत्थर बेल। अभी तो वो अभी नहीं आई है, तो जब वो आ जाए तो वो आधी बेल पत्थर रोज़ाना खाया करिए और पानी खूब पिया करिए, ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है, इसे इंग्लिश में कोवेट कहते हैं, बेल पत्थर को कोवेट कहते हैं। बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है, पीसीज होते हैं उसमें कटे हुए, तो एक कतला एक पीस सुबह, 3-4 इंच के पीस होते हैं, एक पीस सुबह खा लें खाली पेट और पानी पी लें, और एक पीस शाम को खाया करें। एक तो ये, और एक आता है अरंडी का तेल, ये आसान भाषा में अरंडी का तेल कहते हैं, इसको हम कैस्ट्रॉल ऑयल इंग्लिश में कहते हैं, ये हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। एक चम्मच ये खाने के बाद दोनों टाइम एक एक चम्मच पी लिया करें और गर्म पानी पिया करें, इससे आपको फायदा मुमकिन है। अगली कॉलर है चंडीगढ़ से रेशमा, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैडम जी, नमस्कार। हाँ जी, हम यहाँ से बोल रहे जी, चंडीगढ़ से जी, ऊपर से। ठीक है, हाँ जी, मेरे लड़के को वो एलर्जी है छिंका वाली बहुत है। कौन सी एलर्जी? छिंका आती है, उठ दे रात को भी सुबह भी। हाँ जी बहुत। हाँ जी, एज क्या है उनकी? 30-31 साल है जी। ठीक, अच्छा देखिए, इस रोग का इलाज यूनानी में है, लेकिन 5-6 महीने करना पड़ता है। आसान नुस्खा है, दवा भी बता देता हूँ, कभी आप नहीं बना पाए, नुस्खा आसान है। सपिस्तान, दवा का नाम है, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम लें, पीपलें, आपके किचन के गरम मसालों में 1-1.25 इंच की लंबी पीपलें होती हैं, ये 30 ग्राम और बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम बच्चे को खिलाएं, खाली पेट यानी निहार मुंह गर्म पानी से, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना है इन्हें, और ये 5-6 महीने आपको लगातार देना है, खट्टी चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना है, ये उनका इलाज है। और अगर ये नहीं बना सकते हैं जो लोग, तो देखिए एक दवा है माजून, आर केयर माजून, सुबह एक चम्मच शाम एक चम्मच, अगर 5-6 महीने खाना पड़े तो खा लीजिए, इस रोग से उनको फायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर है लखनऊ से AK जायसवाल जी, स्वागत है आपका। जी आदाब जी, आदाब जायसवाल साहब। अगर जी भाई हम आर केयर ले रहे हैं तो आर केयर एस केयर में क्या फर्क है? कैप्सूल ले रहे हैं जी, कैप्सूल ले रहे हैं। देखिए तीन दवाएं हैं, उनकी सबकी नौयत अलग है, एस केयर पहला स्टेप, आर केयर दूसरा स्टेप और टी केयर तीसरा स्टेप, इनमें पोटेंसी का फर्क है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका।
हेलो जी लता जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्कार जी, हम हिमाचल से बात कर रहे हैं मैडम। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरे ना मतलब बेटी है 23 साल की है, उसको वो मतलब मोटी हो रही है, अभी बड़ी मोटी हो गई है। कितना और, वेट मतलब है? वजन उसका यही होगा 60-65। ठीक मतलब अभी व्रत रखे थे जैसे, मतलब उसके बाद ये इसे फुलावट सी आ गई है उसको। जी देखिए, एक ऐसा नुस्खा है जिसमें कोई दवा नहीं लगती, और कभी मैं मोटा हो जाता हूँ तो ये करता हूँ, आजकल भी कर रहा हूँ, और वो है डाइट कंट्रोल। देखिए मैं आया हूँ स्टूडियो में सुबह से, और एक प्याला दाल पी कर आया हूँ। कोई भी दाल आप मिक्स दाल है बच्ची को पिलाइए सुबह को नाश्ते में, बस इतना। गोभी खाएं, पत्ता गोभी, इससे भी पेट भर जाता है, वेट नहीं बढ़ता। फिर दोपहर में मैं या तो एक प्याली दाल लूँगा या 4-6 अखरोट खा लूँगा, ये मेरी दोपहर तक की डाइट है। और शाम को मैं 2 या 3 रोटी खाऊँगा, जबकि मेरी खुराक है 6 रोटी की। इससे रोज़ाना 100-150 ग्राम वज़न कम हो रहा है मेरा, और जितना आदमी की उम्र ज़्यादा हो उसको वज़न कम करना चाहिए, बच्ची तो छोटी है, और 1 घंटा धूप में चलना है। अगर ये करें तो बगैर दवा के भी वो ठीक हो सकते हैं। देखिए जिससे कहेंगे वो दवा दे देगा, हम भी दवाइयाँ बनाते हैं, हम भी दवाइयाँ बेचते हैं, लेकिन ये नुस्खा दवाइयों से भी अच्छा है। वैसे इसके बारे में कैप्सूल एफ केयर सुबह शाम लेने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन इस नुस्खे से दवा से भी अच्छा फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं एमपी से अंकित साहू जी, स्वागत है आपका। जी ये मेरी मम्मी है, इनसे बात कर लीजिए थोड़ा। करवाइए बात। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हम दवाई मंगाए हैं जैतून का सिरका। ठीक है, उसको कैसे और कब तक पीना है? क्या रोग है आपको? शुगर है हमको। अच्छा, 3 चम्मच दोपहर के खाने के बाद छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के 1 गिलास पी लिया करें, और इसी तरह शाम को, और वो दवा भी ना छोड़ें जो आप पहले से खाते हैं, तो वो दवा भी ना छोड़ें, और छींक आए तो छींक का इलाज करें, और जो भी रोग हो उसका इलाज करें। आप फिर 2-4 दिन बाद चेक करना, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी शुगर कम होने लगी, और ये बहुत सारे फायदे करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, और चर्बी को, दिल का बड़ा ख्याल रखता है, किडनी का, लीवर का, बहुत फायदे की चीज़ है, आप इसे जीवन भर भी ले सकते हैं। बात अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। अभिषेक जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम यमुनानगर हरियाणा से। आपका सवाल क्या है? मैम मेरे को ना अपने बारे में और अपने छोटे भाई के दोनों के बारे में पूछना है। ठीक है पूछिए। मैम मैं 20 साल की उम्र है मेरी। ठीक है। मेरी ना आर्मपिट में मेरी जो कचरो मतलब अंडर आर्म है ना, आर्मपिट जो है वहां पे ना फोड़े निकलते हैं, बॉयल्स मतलब पस और ब्लड वाले ना। अच्छा ठीक है। तो ये करीब 1-1.5 साल से मेरे को निकल रहे हैं, मैंने काफी तरह की दवाई खाई है, होम्योपैथिक में भी और एलोपैथिक में भी। हाँ। पर लेकिन जब तक दवाई खाते हैं थोड़ा बहुत आराम रहता है, और फिर दोबारा निकलने लग जाते हैं। ठीक, दोनों आर्मपिट में निकलते हैं। ठीक है। कभी इधर कभी इधर। आपके भाई का सवाल। जी मैडम मेरा भाई 18 साल का है। हाँ। और उसके ना नाक की हड्डी टेढ़ी बताई है, ENT स्पेशलिस्ट जो है उनको दिखाया था, तो उनकी ना उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी बताई गई है। उनको प्रॉब्लम क्या है सर? नाक की हड्डी टेढ़ी बताई गई है सर उसकी ना, नहीं, नहीं। नाक की ब्लॉकेज रहती है उसको बचपन से ही है। नहीं प्रॉब्लम नजले की है, नाक बंद हो जाती है। जी 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 सर, नजला और नाक बंद रहता है उसका ना, और अब जैसे सर्दियां आ रही है ना तो सांस लेने में दिक्कत बढ़ रही है सर उसकी। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए पहले आपकी बात करेंगे, धनिया
सौंफ, आंवला, ये 100-100 ग्राम लें। धनिया, सौंफ, आंवला 100-100 ग्राम लें। और एक आता है रसायन जैतून, ये 100 ग्राम लें। इनको पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना शुरू करें खाना। 1 ग्राम आप समझ ही गए होंगे, पढ़े लिखे हैं, पानी के साथ रोज़ ले लिया करें। और इससे आपकी खून की सफाई हो जाएगी, फोड़े फुंसी निकलना बंद हो जाएंगे, चेहरे पे भी बड़ी रौनक आती है, पेट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर 15 दिन में फ़ायदा होने लगे तो फिर 1 ही ग्राम रखना, और नहीं हो तो फिर 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, खाने से पहले, खाने के बाद पानी से ही लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ये आपका नुस्खा हुआ। भाई का देखो, मेरा अनुभव, जो पर्सनली अनुभव है, कि नाक की हड्डी कभी नहीं बढ़ती, ये मेरा जाती फैसला है, लेकिन ऑपरेशन तक कर देते हैं फिर भी वो परेशानी जाती नहीं है। दरअसल हमारी नाक में ग्लैंड्स होते हैं, गुदूद होते हैं। जिन लोगों को नज़ला रहता है, तो जैसे ही सर्दी का शिकार होते हैं बच्चे, तो वो गुदूद फूल जाते हैं और हमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो ऑपरेशन की गलती मत करें। मैं आपको एक घरेलू नुस्खा भी बता रहा हूँ और दवा भी बता रहा हूँ, जो आपको आसान हो कर लें। आप यकीनन लिख रहे होंगे मेरी बात। देखिए, एक दवा का नाम है सपिस्तान, लिख लीजिए सपिस्तान, ये 100 ग्राम लीजिए। उन्नाब एक बेर होता है, ईरानी बेर, लाल, बिल्कुल लाल होता है, बड़ा जायकेदार, सूखा हुआ मिलता है। उन्नाब ये 100 ग्राम लीजिए। और अलसी भी, आप नहीं तो आपकी मम्मी ज़रूर जानती होंगी, 100 ग्राम अलसी भी लीजिए। ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम। 30 ग्राम आपके किचन में, मम्मी को पता होगा, पीपलें 1.25 इंच की लंबी होती है, बड़ी खूबसूरत सी, 30 ग्राम इसमें पीपलें मिलाकर पाउडर बनाएं। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी से दें और 5 बार गर्म पानी पिएं। ये 5-6 महीने अगर लेते हैं तो इनको रोग मुक्त होना मुमकिन है। अगर आप मेरा नुस्खा समझ गए और सही दवाएं बना पाते हैं तो ये काफ़ी रहेगा। और अगर नहीं समझे हैं, नहीं बना पाते बहुत से लोग, तो उनके लिए माजून आर केयर, ये इम्यूनिटी की दवा है। और जो नुस्खा मैंने बताया वो भी इम्यूनिटी का है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी से लें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो इनको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे लोगों में रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, इस वजह से ये बार बार इस मर्ज का शिकार होते हैं। बरेली से नेक्स्ट कॉलर है रेनू, स्वागत है रेनू जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार अगेन जी, नमस्ते। जय हिंद, आदाब, बताइए क्या सवाल है। अगेन जी, मेरे बारे में बात करनी है और मेरे बेटे के बारे में। जी जी, बताइए। मुझे प्रॉब्लम है, रात में नींद नहीं आती है और हाथ पैर में दर्द होती है, पीछे गले में अकड़न रहती है। ठीक है, और बेटे के बारे में पूछना है। बताइए। बेटे को जैसे कुछ याद करता है तो उसे मतलब फिर भूल जाता थोड़ी देर बाद। ठीक है, क्या उम्र है बच्चे की? 12 साल, मेरी उम्र है 40 साल। ठीक है। अच्छा, देखिए, बच्चों का दिमाग फोन, सेल फोन में है तो कुछ कम करें। और 2 अखरोट और 10 किशमिश अपने हाथ से तोड़ के उन्हें दीजिए, छिले छिलाए अखरोट ना लाएं। और रोज़ाना रात को सोते समय 2 अखरोट और 10 किशमिश इनको खिलाया करें, इनकी मेमोरी अच्छी होना मुमकिन है। ये नहीं ले सकते तो माजून अखरोट प्राश भी आती है, अखरोट की एक माजून भी आती है, अखरोट प्राश, वो एक चम्मच सुबह शाम लेने से भी हम बुद्धिमान हो सकते हैं। अच्छा देखिए, आपको अगर दर्द की वजह से नींद नहीं आती तो दर्द का इलाज करें,
तो दर्द का इलाज ये है कि गौंद स्याह नाम का एक काला गौंद, बहुत कड़वा होता है, बहुत नकली भी मिलता है, असली लेना है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम लीजिए। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, कड़वा बहुत होता है, तो 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले मेरे अनुभव अनुसार मरीज़ का ठीक होना मुमकिन होता है। और अगर नींद इसके अलावा नहीं आती, इसकी वजह से आती नहीं आती, तो इसका इलाज करें, और इसके अलावा कोई रोग है नींद का, तो रात को 3-4 चम्मच जैतून का सिरका, विनेगर जैतून यानी जैतून का सिरका एक गिलास में डालें, पानी भर दें उसमें, और इसे पी लिया करें। आपको नींद इतने सुकून वाली आएगी कि जैसे आप कभी सोया करते थे। जी हकीम साहब, ये गर्दन में जो दर्द है उसके लिए एक्सरसाइज? हाँ, गर्दन की एक्सरसाइज देखिए ये है, सॉरी मैं भूल गया था, आपने याद दिला दिया, बहुत शुक्रिया। ये आपको 3 मिनट करनी है, और 3 मिनट ऐसे ऐसे पूरी तरह मोड़ दीजिए, इसे दुश्मन समझ के यहाँ तक आ जाती है ये गर्दन, 3 मिनट रोज़ाना के लिए, दोनों एक एक एक्सरसाइज 3-3 मिनट। ठीक 10वें दिन आपका दर्द कहाँ है आप ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा, ये इस एक्सरसाइज की खूबी है।